नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बड़ोला और मेरे पास आ गई है राज कॉमिक्स की RCMG की न्यू कॉमिक्स सर्पयज्ञ नागराज की न्यू कॉमिक्स और देखते हैं इसमें कहां तक पहुंचा हमारा सर्प सत्र और क्या होता है सर्पयज्ञ में। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है RCMG की। सर्प सत्र सीरीज की ये तीसरी कॉमिक्स है। सर्प इसका पहला पार्ट सर्प सत्र, दूसरा सर्प द्वंद और ये तीसरा सर्प यज्ञ। ये इसका कवर देखेंगे आप, अनुपम जी और जगदीश जी का बनाया हुआ है। ₹180 मूल्य की ये 32 पेजों की कॉमिक्स है। इसका मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूँ। इसका एक पैनल दिखाता हूँ मैं आपको जो मुझे अच्छा लगा, अनुपम सिन्हा जी का। कहानी की बात की जाए तो ये सर्पयज्ञ वहीं से शुरू होती है जहाँ सर्प द्वंद में बंद हुई थी है। और सर्प सत्र और सर्प द्वंद में जो सस्पेंस बने हुए थे वो इसमें ख़त्म होते हैं कुछ सस्पेंस, और इसमें कुछ एक दो सस्पेंस कुछ नए बन जाते हैं। और कहानी के बारे में चित्र आपको ज़्यादा दिखाऊंगा तो ये इसमें आपका मज़ा ख़राब हो सकता है। तो आप इसे पढ़िए और ख़रीदिए, पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। और इसकी जो सबसे बेकार बात लगी मुझे वो ये कि 32 पेज की है। जब कहानी शुरू होती है तो ये पता चलता है कि ख़त्म हो गई है। अब हम इतने पुराने रीडर हैं, मैच्योर रीडर हैं, शुरुआत में हमें 32 पेज की कहानी बहुत अच्छी लगती थी जब हम छोटे थे। अब ये 32 पेज की कहानी नागराज और ध्रुव राज कॉमिक्स के फ्लैगशिप हीरो पे जस्ती नहीं है तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे लगता है कि है ना, जैसे आप देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे आप, ये सर्प सत्र 44 पेजेस की है और इसमें 44 पेजेस तक जगदीश जी की इंकिंग थी। और बीस पेज तक भी जगदीश जी की इंकिंग है। तो ये 64 पेजेस के यहाँ तक मेरे ख्याल से ये जगदीश जी की इंकिंग है और बाकी के 64 पेजेस में जैसे यहाँ पे विनोद जी की इंकिंग है 48, और यहाँ पे भी दिखा रखा है कि ये विनोद जी और जगदीश जी की इंकिंग है, जबकि ये पूरी कॉमिक्स में विनोद जी की ही इंकिंग है। तो मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करके, इस श्रृंखला की 64 पेजेस की इसकी एडिटिंग करके ये 48 की बनाई है, ये भी 48 की बनाई है, और इन दोनों के 20 16 इसके और 16 इसके करके ये सर्पयज्ञ 32 पेजेस की ये बन गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो सर्पयुग है वो 150 से 200 पेजेस तक की कॉमिक्स होगी और सारे सस्पेंस उसमें खुल जाएंगे। ये मेरा अपना खुद का विचार है और आपको क्या लगता है इसमें देखिए। लेकिन ये है 32 पेजेस की कहानी है और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। नागराज का और ध्रुव का विशेषांक तो ऐसे भी, और अनुपम जी का लिखा हुआ तो सबको पसंद ही आता है। तो पढ़िए नागराज का तौसी का नया विशेषांक सर्पयज्ञ और इंतज़ार कीजिए सर्पयुग का। उम्मीद है कि वो आगे का नेक्स्ट पार्ट वो 150 या 200 पेजेस का होगा या जिससे ज़्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़्यादा पेजेस की होगी कॉमिक्स, और जो सभी 48 और 32 पेजेस की कॉमिक्स की भरपाई कर देगी और इस सीरीज को पूर्णतः समाप्त करेगी। धन्यवाद।